फिल्म की सेकंड लीड हीरोइन है और सूफिया शेख जी हैं जो फिल्म के अंदर जो है एक रानी का कैरेक्टर बहुत अहम रोल है। पहले सूफिया शेख, हाँ बताइए क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में और रहमत जी के बारे में जो एक्चुअली मतलब रहमत जी ने मुझे ऐसे सेलेक्ट किया था ना, मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने पहले भी एक मूवी में काम किया है और एपिसोडिक भी दो तीन किए थे। तो मैं सर से जिस दिन पहली बार मिलने गई तो ये मतलब सिलेक्शन वगैरह कर रहे थे, तो मैं जैसे गई मेरे को ऐसे देखे तो सर को बोल रहे हैं अच्छा इसका नाम लिख लो, एक हफ्ते का काम है ये कर लेगी। तो मैं मतलब शॉक्ड हो गई कि ऐसे कैसे हो गया। फिर धीरे धीरे आगे बात बढ़ी, फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि सर ने मतलब बिना जाने पहचाने उतने अच्छे से डिटेल में भी नहीं गए और इतनी अच्छा मौका दिया मुझे। तो रानी का रोल करी, ऐसे भी रानी जैसी लग रही, क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा मौका है। सर बहुत खुश हूँ मैं, बस सर की मेहरबानी है। और सुबह कुछ बताइए क्या क्या पहले जो प्रोजेक्ट करते थे, बताइए क्या करना है। मैंने एक्चुअली बालाजी से कोर्स किया था एक्टिंग का, उसके बाद मैंने एपिसोडिक किया है दो तीन और एक मूवी में काम किया है, एल्बम सॉन्ग की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रहमत सर को, क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने के लिए और ऑडिशंस दिए, पसंद आया सर को। जब फर्स्ट टाइम मिली तो लगा नहीं कि मतलब इतने बड़े डायरेक्टर से मिल रही हूँ, इट्स लाइक ही इज़ वेरी वेरी मच डाउन टू अर्थ। सो उसके बाद लुक टेस्ट एंड ऑल एंड देन आई एम हियर एंड आई गारंटी यू जब आप देखोगे ये आप यू विल गोना लव इट। मतलब इसमें हर कुछ है, रोमांस कॉमेडी एक्सट्रीम लेवल पे एंड यू विल लव इट। कहानी नहीं हॉरर तो नहीं है, कहानी एक लव स्टोरी है और पूरी फिल्म का अगर एक पंच लाइन में देखने जाएंगे तो वन साइड लव है, छोटा सा अगर पंच देखना है तो वन साइड लव पूरी पिक्चर, कि वो उसको प्यार नहीं करता तो वो उसको नहीं करता तो वो उसको नहीं करता, ये चल रहा है। एंडिंग में हीरोइन हीरो को मिल जाती है। हाँ चलिए मेरा नाम भाविन शिंदे है, मैं एक स्मॉल टाउन से आता हूँ दाहोद से, जहाँ किसी ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचा भी नहीं होगा। मैं ऐसा पहला फर्स्ट हूँ जो दाहोद में हिंदी मूवी शूटिंग कर रहा हूँ और पहली मूवी मेरी ऐसी है, इसके बाद मैं तीन और मूवी बनाने वाला हूँ ऐसा मैंने रहमत भाई को बोला है। बस आगे बोलते आज ये आज फिल्म का मैंने मुहूर्त किया है, वैसे मुहूर्त मेरा एक आठ को हो गया था रुदड़ में, पर आज लीगली आप सबको बुलाया है, इनवाइट किया इसके लिए। जी फिल्म का म्यूज़िक जैसे कि आपको बताया अभी रहमत जी ने कि डिफरेंट सब्जेक्ट है, अलग स्टोरी है और दाहोद में और वहाँ सब शूट होने वाला है, उसी तरह का म्यूज़िक भी है डिफरेंट, क्योंकि कहानी की रिक्वायरमेंट जो है इसके अंदर सैड सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है और एक आइटम सॉन्ग है, तो बिल्कुल आपको अलग इसका मज़ा मिलेगा, अलग अलग कलर्स दिखेंगे सॉन्ग्स में। मैम आप बताइए अपना नाम और किस तरह का किरदार है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सबको, मेरा नाम आर्या है, आर्या राय। सो मैंने इसके पहले सिर्फ सॉन्ग्स करे हैं, सो इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और MBC के थ्रू ये आ रही है मूवी। सो मेरा कैरेक्टर नेहा का है, जो कि एक शी इज़ अ वेरी बबली काइंड ऑफ गर्ल, फन लविंग, सो विच आई एम इन माय रियल लाइफ। या दैट्स इट। मैम आप बताइए। मेरा नाम प्रेरणा है और मैं तारा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ इसमें। बहुत ही सिंपल लड़की है, बहुत ही इनोसेंट है, अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखती है, शी इज़ वेरी मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स हर फैमिली, तो बहुत क्लोज है एक वो अपने परिवार से एंड दैट्स ऑल। और बस थैंक यू बोलना चाहूँगी पूरी टीम को, MBC को जिसके थ्रू मुझे प्रोजेक्ट मिला एंड वेरी मच फॉर्चुनेट अबाउट दिस। मैंने पहले TV शोज़ किए हैं, मैंने शुरुआत करी थी दिल्ली में मॉडलिंग से एंड उसके बाद मैंने शॉर्ट फिल्म करी जो कि मैंने दिल्ली में ही करी थी, थिएटर किया है मैंने, दिल्ली से थिएटर किया फ्रॉम श्रीराम सेंटर एंड तारा मंडल एक और वहाँ पे ग्रुप है,
जो कि लक्ष्मी नगर में है, तारामंडल थिएटर। तो वहाँ से मैंने एक्टिंग सीखी है, देन केम टू बॉम्बे। यहाँ पे मैंने टीवी शोज़ किए हैं, राइट नाउ आई एम डूइंग बेपना प्यार ऑल्सो विच इज़ फ्रॉम कलर्स, एंड आई गॉट दिस मूवी टू। सो या हाय, मेरा नाम आंचल है एंड आई एम प्लेइंग अ मूवी ऑफ सॉरी प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ प्रोफेसर जिनका नाम कामिनी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑलरेडी मैं मैरिड हूँ, लेकिन आई गेट मैरिड तो वापस वही गलती करती हूँ, किसी के प्यार में पड़ के वापस उनके साथ भाग के शादी करती हूँ। शॉर्टली मीन्स वेरी फनी टाइप कैरेक्टर है, मिंगल होना, मस्ती करना एंड ऑल दैट, कूल कैरेक्टर है। मेरा किरदार इसमें नेगेटिव का है, जो कि देव उसका नाम है, देव का कैरेक्टर प्ले करना है। और देव एक गांव का होता है, गांव का वो राउडी होता है, उसकी ऐसी सोच होती है, वो एक लड़की को देखता है उसको पसंद कर देता है, बस वो वहाँ पे कसम खा देता है कि गंगा मैया की कसम खाते हैं ये अब हमारी हो गया। तो इस तरीके से मेरा चलता रहेगा कैरेक्टर, इसमें नेगेटिव पूरा कैरेक्टर है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा, मैंने 7 साल थिएटर किया है, मैं MP से बिलोंग करता हूँ, मैंने MP में थिएटर किया है, मैंने 10 से 12 सीरियल्स में कैमियोस किए हैं, मेरी दो फिल्म रिलीज है पाकिस्तानी, जो दुबई चाइना पाकिस्तान में रिलीज थे, दो इस्लामिक फिल्में की है, उसके साथ साथ मेरी एक अपकमिंग फिल्म आ रही जोजो जो रिलीज़ होने वाली है, और अभी मैं सर के साथ जुड़ के ये फिल्म करना फिर इसकी मुश्किल इस भाविन सर की वजह से और रहमत सर ने मुझे ये गाया था। बाणेश्वरी चहर कृपा है, जो मंदिर है रुदण में माता जी के, मैं बहुत मानता हूँ वहाँ पे, इसलिए उनका नाम से बैनर चालू किया। फिल्म के बारे में बताइए ना, क्या है स्टोरी, क्या है, किस पर बेस्ड है फिल्म? एक्चुअली फिल्म ब्लैक मैजिक स्टूडेंट है, उस पर है स्टोरी, आगे रहमत भी बता देंगे। रहमत भाई डायरेक्टर सर, और स्टार्ट से लेकर तक पूरी फिल्म कॉमेडी है, और इसका बेस बेसिकली किसी एक चीज़ पे है नहीं, कॉमेडी भी है, थ्रिलर भी है, मतलब सब कुछ है, फुल एंटरटेनमेंट है। एकदम तो कहानी कहाँ से आपने होगी? कहानी तो बेसिकली समीर जी हैं, समीर खान जी हैं राइटर जो हैं, उन्होंने सुनाई थी हल्की, लेकिन बाद में एक बार जो है वापस जो है ऑनलाइन जब सुने तो अच्छी लगी कहानी, फिर वहीं से जर्नी स्टार्ट हो गई। बता रहे थे कि गुजरात में शूट होने वाली है, ये गुजरात में बड़ौदा से आगे दाहोद में शूटिंग करने वाले हैं हम लोग 20-22 दिन 25 दिन, बाकी जो सॉन्ग है इसके वो ये आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं बैंकॉक में। इसके अलावा कहाँ शूट कर रहे हैं? नहीं, खाली दो ही जगह कर रहे हैं शूटिंग। हाँ, ये दिसंबर एंड 2020 और सत्या भाई हैं फिल्म के मेन हीरो हैं। इसके पहले मैंने बहुत सी शॉर्ट फिल्में की हैं, अगर बड़े बजट की फिल्म की बात करें तो मैंने 2 फिल्में की हैं, कांजी हाउस और रेत, जो पोस्ट प्रोडक्शन है और जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं भी MP से बिलोंग करता हूँ, थिएटर डायरेक्टर हूँ, MBC ग्रुप मीन्स माँ भानेश्वरी चहर ग्रुप के बैनर तले फिल्म बन रही तेरे इश्क की मुझको आदत है। क्या कैरेक्टर है आपका इस फिल्म में? मेरा कैरेक्टर राहुल का है, जो एक कॉलेजियस फ्रेंड है, हम सभी कॉलेजियस फ्रेंड होते हैं, राहुल का मेरा कैरेक्टर है। वो कॉलेज एक्चुअली ब्लैक मैजिक का कॉलेज है, मैजिशियंस का कॉलेज है, तो मैं भी एक वर्ल्ड लेवल का मैजिशियन बनना चाहता हूँ। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके कारण हमें अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ता है, अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि वो दिल दहला देने वाली घटनाएं होती हैं और कई लोगों की जान पर भी बनाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये फिल्म सारी चीज़ें, जैसा सर ने बताया, थ्रिलर है, सस्पेंस है, रोमांस है, हॉरर भी है। हॉरर नहीं है, हॉरर नहीं है, बट एक होता ना कि जो फुल एंटरटेनमेंट जो चाहिए, 3 बार आता है तो फुल एंटरटेनमेंट है पूरी फिल्म। मैजिक बेसिकली इसमें है नहीं, बट थोड़ा सा इस्टेब्लिश है मैजिक, क्योंकि एक नई चीज़ मिल रही है, एक नई कहानी है, तो थोड़ा सा इसमें मैजिक है, बाकी तो पूरी फिल्म ऑन साइड लव ही जा रही है। कम्प्लीटली विश्वास नहीं बोल सकते, लेकिन मैं डिनाई भी नहीं करती उस चीज़ को, एंड ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर सुनने में आती है तो उसकी एग्जिस्टेंस ज़रूर होती है, तो मैं मानती हूँ कि हाँ वो चीज़ है, सादा कुछ नहीं।
रमेश जी आप बताइए फिल्म कब से आप प्लान कर रहे थे कि कुछ ऐसी मैक्सिमम एक साल से ऊपर हो गया भावन भाई से मिले हुए कहानी सुनाए हुए और सारी चीज़ें तय करते हुए जो है आज अनाउंस में एक साल लग गया। तो आप मैजिक में बिलीव करते हैं जो इस स्टोरी में डाल रहे हैं या मैजिक क्या? मैजिक को बेसिकली बिलीव तो नहीं है बट एक होता ना कि जिसको बिलीव है उसको उसके बिलीव से हटाना।